बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके न्यूज़ पॉइंट पे आपका खैर मुकदमे में हूँ इरशाद भट्ट। अगर हम बारामूला की बात करें, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहाँ पे आना है और बाजाबा तौर पर जो है खुशबाग में जो यहाँ पे पंडित पालनी बनाई गई उसकी इनाग्रेशन आज करनी है, और काफी तादाद में यहाँ पे पंडित बरादरी के लोग भी आए हैं। और बाकायदा जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से जो इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अगर हम इस पंडित कॉलोनी के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे इन पंडितों के लिए जो है अकोमोडेशन यहाँ पे बाजाबता तौर पर जो है वो रखी गई, और इसके साथ साथ जो इस पंडित कॉलोनी जो बनाई गई, हालांकि इसमें तकरीबन 320 फ्लैट जो है बनाने हैं, 190 फ्लैट जो है वो बनाए गए, और कुल मिला के बात करें इस प्रोजेक्ट का वो तकरीबन 40.32 करोड़ रुपया। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे एलजी साहब वो आएंगे, और उसके हमरा चाहे हम दीगर अफसरानों की बात करें वो भी मौजूद रहेंगे, और खसूसन चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ डीआईजी नॉर्थ कश्मीर या डिप्टी कमिश्नर बारामूला वो भी साथ में रहेंगे। और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पे आएंगे और बाजाबा तौर पर जो है इस कॉलोनी का इफ्तिताह करेंगे, और उसके बाद जो है वो बांडीपोरा जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अवतार जी, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है यहाँ पे इन एम्प्लॉयज का, जो बीरमन कॉलोनी में जो रिया फेंचीर जो पंडित बरादरी के लोग रहते हैं, हालांकि उनका प्रेसिडेंट है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है, जैसे न्यूज पॉइंट में आप ये बताए आज एलजी साहब को बाजाबा तौर पर जो है यहाँ पे आना है और किस तरह यहाँ पे तैयारी रखी गई। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके दर्शक जो है उन सबको मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी ये डेवलपमेंट है आज की डेट में बारामूला में, इसका काफी अरसे से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग जो वहाँ पर वीरवन कॉलोनी में जो रह रहे हैं वो प्री फैब्रिकेटेड शीट्स में रह रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल हालात थे हमारे वहाँ रहने के लिए। इसी तरह हम लोग जो है उसमें जो है पिछले 13 साल से सर्वाइव कर रहे थे। तो ये हमारे लिए पूरे एम्प्लॉयज के लिए जो बारामूला में प्राइम मिनिस्टर पैकेज में अपॉइंट हुए उनके लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट। ये कितने फ्लैट यहाँ पे बनाए गए और कितने मुकम्मल हो चुके हैं? मेरी जो नॉलेज में है ये 336 बनाने हैं, और मेरे ख्याल करीबन 250 के आसपास बाय द एंड ऑफ मई ये तैयार हो जाएंगे। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर बारामूला का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तो उन्होंने इसको पिछले 1 साल से बहुत ही फास्ट ट्रैक पे इसको कंप्लीट किया है। क्या ये मुकम्मल हो चुका है? जो फंक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है? हम सीसीटीवी कैमरा के हवाले से बात करें, हाँ वो काम अभी थोड़ा बहुत अलाइड वर्क्स का काम अभी बाकी है, उसमें मेरे ख्याल 10-15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू होगा। और अभी जो है जो तैयार जो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स जो तैयार हैं वो 192 क्वार्टर्स हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं, मेरे ख्याल उन्हीं की इनॉग्रेशन आज होगी। ये जो सिलसिला है इस क्वार्टरों को बनने का यहाँ पर बारामूला में, ये डॉक्टर जी एन इतू साहब जो आज जल शक्ति मिशन के साथ जुड़े हैं वहां से शुरू होता है, उन्होंने ये जमीन यहाँ पर अलॉट की थी। उसके बाद भूपेंद्र कुमार जी हैं और आज डॉक्टर सैयद शहरीश असगर जी हैं, इन सबको हम अपने दिल की गहराइयों से जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे पंडित बरादरी के जो लोग हैं वो सारे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है एम्प्लॉयज जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में लगे उनके लिए, और खासकर जो पिछले 13 साल से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि पर्याप्त जो है रिहेबिलिटेशन के लिए क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं। आपको लगता है आने वाले मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इस डेवलपमेंट से तो काफी हद तक हमारे मुश्किल हल हो जाएंगे, कम से कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक जगह रह सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, किस तरह से इकदाम यहाँ पे उठाए गए? मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से काफी बढ़िया जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं, उसके लिए हम रईस साहब जो डीआईजी साउथ हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आज के एसएसपी साहब नागपुर अमूल गुप्ते नागपुर साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सिक्योरिटी के काफी अच्छे बंदोबस्त हैं जिनकी वजह से हम लोग एट ईज हैं अब अपने अपने ऑफिस। चले बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अवतार जी जो कि यहाँ पे पंडित बरादरी के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे बीरमन कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फतेहपुरा का लिंक रोड है यहाँ पे खुशबाग में जाएंगे, एलजी साहब को आना है और बाजाबा तौर पर वो इसी रास्ते से जाएंगे और बाजाबा तौर पर वो यहाँ पे इस पंडित कॉलोनी का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। इसके हमरा चीफ सेक्रेटरी
चाहे हम एडवाइजर की बात करें या इसके साथ साथ शुमाली कश्मीर के जो डीआईजी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, एसएसपी बारामूला, चाहे हम अधिकतर अफसरानों की बात करें। और देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं विद्यालयों में जो कि यहाँ पे ट्रैफिक के इंचार्ज हैं उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह यहाँ पे जो है इन्होंने इंतजाम रखे हैं ट्रैफिक के हवाले से। आइए सबसे पहले बात करते हैं मुजाहिद नजीर साहब से। सबसे पहले आपका खैर मुक्त में देखे न्यूज पॉइंट, आप ये बताए किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए अगर आज एलजी साहब को आना है तो प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से इंतजाम जी। एलजी साहब इसी रूट से जाएंगे इंशाल्लाह जी, तो इस यहाँ से कितना कितने दूरी पे है ये यहाँ पे इनॉग्रेशन करते सिक्योरिटी के हिसाब से हम फिलहाल तमाम सारे इंतजाम जो है वो मुकम्मल तो होते ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक और पुलिस की जानिब से या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आएंगे और बाजा मकसद है वो इस पंडित काली का जो है इब्तदा करेंगे और देखा जाए तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप बने रहे जेके न्यूज पॉइंट के साथ।